हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर से ऑनलाइन क्लास क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 2 कंटिन्यू हम डिस्कस कर रहे थे। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 6, m माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 2। वी नो दैट एल एच एस पार्ट में वेरिएबल्स होते हैं और आर एच एस पार्ट में कॉन्स्टेंट। अब हेयर एम माइनस 2 अपॉन 3 वेरिएबल पार्ट है, इसको ट्रांसफर करेंगे हम एल एच एस में, तो माइनस का साइड हो जाएगा प्लस में। एम माइनस 1 अपॉन 2 माइनस का इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगी एम माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। एम के अकाउंट में कुछ नहीं तो हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। 1, 2 एंड 3 का एलसीएम लेंगे हम, 1, 2 एंड 3 का एलसीएम 2 से डिवाइड करें 1, 1, 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1, 1। हम जब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमारे पास 1, 1 नहीं आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 2, 3 जा 6, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 6। अब इस एलसीएम में 1 का डिवाइड करेंगे 6 में, 1 का डिवाइड करेंगे 6, 6 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 6 है, माइनस 6 में अब किसका डिवाइड करेंगे 2 का, 3, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम m माइनस 1 से, प्लस 6 में हम 3 का डिवाइड करेंगे 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम m माइनस 2 से इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे 6m माइनस माइनस 3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस 3m, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 बन जा 3, प्लस 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m एंड प्लस माइनस क्या होता है माइनस 2 2 जा 4, अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये प्लस का 6m और ये प्लस का 2m, 8m माइनस 3m प्लस का 3 और माइनस का 4, बड़ी वाली डिजिट के साथ नेगेटिव साइन, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, लेकिन माइनस का क्योंकि बड़ी वाली डिजिट नेगेटिव है, अपॉन में 6 इक्वल टू 1। 8 में से 3m माइनस करेंगे, 8m में से 3m माइनस करेंगे, बड़ी वाली डिजिट पॉजिटिव है तो इसलिए प्लस का 5m माइनस 1, और जो 6 डिवाइड में है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 से। आपको पता है डिवाइड वाला आरएचएस में पहुंचने पर अपोजिट साइन हो जाते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये डिवाइड में था 6 तो मल्टीप्लाई में होगी, माइनस के 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे 5m इज इक्वल टू 6 बन जा 6, माइनस के 1 को इधर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, एंड जो चीज मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में पहुंच जाएगी 7/5, दैट इज आंसर। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो, एम की जो वैल्यू है 7/5 एल एच एस और आर एच एस में पुट करने पर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आएगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर राइट है, तो आप चेक भी कर सकते हो साहब। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 3 ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 3 5 से 15, 3 को 7 से करेंगे 21, 2 को 9 से करेंगे 2 9 जा 18, जेड माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस का 2 माइनस का 11 प्लस का 22 इज इक्वल, ब्रैकेट ओपन करेंगे 4 8 जा 32, जेड माइनस 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 52, माइनस 7। अब देखिए वेरिएबल पार्ट्स हमारे पास, ये वेरिएबल पार्ट ये और आपके पास आर एच एस में ही है, तो देखिए 32 को प्लस का 32 इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 15z माइनस 18z और ये प्लस का 32 को इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस 32z इज इक्वल टू माइनस 52 ऑलरेडी इधर है आर एच एस पार्ट में, माइनस 17। अब देखिए माइनस का 21 को इधर ट्रांसफर करेंगे प्लस का 21 हो जाएगा, प्लस के 22 को इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस का 22 हो जाएगा, अब प्लस 15z
दोनों के साथ सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा। 32 प्लस 18 कितने हो गए हमारे पास 50, माइनस 50 जेड इक्वल टू, आप देखिए ओनली पॉजिटिव 21 है, बाकी सभी के साथ नेगेटिव साइन, तो सेम साइन प्लस होता है। 52, 17 एंड 22 को प्लस कर लेते हैं, 52, 17, 22, 11, 1 कैरी, 6, 7, 8, 9, 91, माइनस 91, प्लस 20, प्लस माइनस माइनस होता है, 50 में से 15 माइनस करेंगे 35, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली डिजिट कैसी है, नेगेटिव, माइनस 35 चेक इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है, 91 में से 21 माइनस करें 0, ये 70, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली डिजिट तो कौन सी है, नेगेटिव है, तो बड़ी डिजिट के साथ जो साइन होता है वही साइन हम आंसर में राइट कर, ऑलवेज रिमेंबर, दोनों साइड देखिए माइनस से माइनस से माइनस कैंसिल है, जो 35 जेड के मल्टीप्लाई में है तो किस में पहुंच जाएगा, डिवाइड में, 70 अपॉन 35, अब ये 35 70 में 35 के डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स कट रहा है, देखिए कैंसिल हो रहा है, 35 बन गया 35, 35 टू जा 70, तो जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो, जो आपकी वैल्यू आई है उसको क्वेश्चन में पुट करने पर LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए, तो हमारा आंसर राइट है, अदरवाइज इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। डेसिमल वाला क्वेश्चन है, देखिए 0.25 ब्रैकेट 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट 10f माइनस 9। इसको सिंपलीफाई करते हैं, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करना होता है, ये ब्रैकेट भी ओपन करेंगे और ये ब्रैकेट, 0.25 मल्टीप्लाई 4f माइनस 0.25, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 0.25, अब मल्टीप्लाई में आगे पीछे आप डिजिट राइट कर सकते हो, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ते, 0.05 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10f से, और 0.05 माइनस का साइन, 0.05 किससे मल्टीप्लाई होगा, 9 से, जस्ट ब्रैकेट ओपन किया है हमने। अब देखिए डेसिमल की बात, कितनी डिजिट है यहाँ पर, 2, तो डेसिमल हटाएंगे हम, और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है उतनी हम जीरो लगा देंगे 1 के साथ, इट मीन्स 100, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो 100 लगे, ऐसे डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ भी 100, इसका भी डेसिमल हटा देंगे, यह भी 100 क्योंकि 2 डिजिट, और इसका भी डेसिमल हटा देंगे अपॉन में 100, अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, देखिए 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, और 4 से 4 कैंसिल 1 टाइम्स, 25 बन जाए एंड ये 4, अब ऐसे देखिए इसको भी कैंसिल कर सकते हो, 5 बन जाए 5 20 टाइम्स, और 0 से 0 कैंसिल, ऐसे इसको 5 बन जाए 5 ये 20 टाइम्स, 9 और 20 कैंसिल नहीं हो सकता, अब देखिए सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास बचा था माइनस 3/4 इज इक्वल, यहां पर क्या बचा हमारे पास एफ अपॉन माइनस, यहां पर क्या बचा हमारे पास 9/20, एफ के अपॉन में कुछ नहीं तो हम क्या लगा सकते हैं 1। अब देखिए वेरिएबल पार्ट एफ, एफ RHS में इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, कांस्टेंट पार्ट को RHS में ट्रांसफर करेंगे, हम जानते हैं LHS पार्ट में वेरिएबल होते हैं और RHS पार्ट में कांस्टेंट, अगर आपको RHS में वेरिएबल नजर आए तो उसको LHS में ट्रांसफर कर देंगे, LHS में अगर कांस्टेंट नजर आए तो उसको RHS में, लेकिन ट्रांसफर करने पे आपको पता है साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड में डिवाइड मल्टीप्लाई, एफ अपॉन 1 प्लस का एफ अपॉन 2 इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस का एफ अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस 9/20 ऑलरेडी इधर है RHS में, माइनस का 3/4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3/4, अब डिवाइड वाली डिजिट को आपको सोल्व करना आता ही,
एलसीएम लेंगे, 1/2 का एलसीएम क्या होगा 2, 2 में 1 का डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, माइनस 2 में इस वाले 2 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, एफ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ 1 का एफ एलसीएम लेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल, इसमें देखिए एलसीएम क्या ले सकते हो आप, 20 ले सकते हो, 20 एलसीएम आएगा, 20 और 4 का एलसीएम लेना आपको आता है प्राइम फैक्टराइजेशन से, 20 में 20 का डिवाइड करेंगे 1, 1 को माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9 ही आएगा हमारे पास, प्लस इस 20 में किसका डिवाइड करेंगे 4 का, 5 आएगा, 4 5 जा 25, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 50, 2f में से f माइनस करेंगे f, और ये आपको 1/2 चल रहा है हमारे पास, माइनस प्लस माइनस होता है 15 में से 9 माइनस करेंगे 6, प्लस का 6 क्योंकि बड़ी वाली जो डिजिट है वो पॉजिटिव है इसलिए प्लस का 6, हम जानते हैं बड़ी वाली डिजिट का ही साइन रखते हैं चाहे प्लस की हो चाहे माइनस, और अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्शन होता है और सेम साइन में प्लस होता है अपॉन में 20, अब जो चीज डिवाइड में उसको ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर चले जाएंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा एफ इक्वल टू 6 अपॉन 20, तो ऑलरेडी इधर है ये 2 डिवाइड वाला कहाँ पर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, अब कैंसिल आउट कर दो उसको, 2 1 जा 2 एंड 2 10 जा 20, तो ये आएगा हमारे पास 6 अपॉन 10, अब देखिए अपॉन में कितनी जीरो है 1 0, इट मींस बैक साइड से काउंट करके 1 डिजिट बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, तो आ जाएगा 0.6, आपको पता है अपॉन में जितने जीरो होते हैं बैक साइड से उतनी डिजिट काउंट करके हम डेसिमल लगा देते हैं, यहाँ पर 1 0 तो 1 डिजिट बाद पॉइंट लगाया तो यह आएगा 0.6 आंसर।